नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है। दोस्तों, जिस फिल्म का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो फिल्म रिलीज हो चुकी है। रिलीज होते ही लगातार धमाके पर धमाके करते जा रही है। हम यहाँ बात कर रहे हैं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, ब्यूटीफुल अभिनेत्री आम्रपाली दुबे और एक्टिंग की दुनिया में शानदार डेब्यू कर चुकी, कई फिल्मों में काम कर रही अभिनेत्री श्रुति राव की फिल्म आशिकी की। आशिकी यूपी, बिहार, झारखंड, मुंबई, कई राज्यों में, कई थिएटरों में रिलीज हो चुकी है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो फुल रहा, कई जगहों पर थिएटर फुल दिखे, कई जगहों पर भीड़ भी दिखी। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी खासियत इस फिल्म के रिलीज के बाद देखने को मिली है कि भैया, लॉकडाउन जब से लगा हुआ था तब से नाइट शो जो है, नाइट शो यानी 9 से 12 बजे का जो शो है वो कहीं ना कहीं खाली दिखता था थिएटरों में। लेकिन मजे की बात ये है कि आशिकी ने रात में भी लोगों को थिएटरों में खींचा है। ये देखिए, ये है भोजपुरिया दर्शक जो रात में भी थिएटरों के बाहर एक लंबी कतार लगाए हुए दिखाई दिए। जो खबर हमारे पास आई है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से अपडेट, पूरा का पूरा आंकड़ा तो हमें नहीं पता चला है कि फर्स्ट डे कितना रुपया इस फिल्म ने कमाया है, कुछ देर में ये भी पता चल जाएगा। लेकिन रात का दृश्य आप देख सकते हैं कि नाइट में 9 से 12 का शो देखने के लिए तमाम भीड़ लगी, दूर दूर तक खेसारी लाल यादव के नाम के जयकारे लगाए गए। कल ऐसे कई वीडियोज़ हमने दिखाए जिसमें हमने देखा कि खेसारी लाल यादव की फिल्म आशिकी के पोस्टर को लोगों ने दूध से नहलाया, बैंड बाजे बजे और घर की महिलाएं तक इस फिल्म को देखने के लिए गई है। कुछ देर पहले हमारी बात इस फिल्म के प्रोड्यूसर, जिन्हें मैं प्यार से शोमैन भी कहता हूँ, वो इसलिए क्योंकि एक से एक बेहतर बड़ी फिल्में भोजपुरी सिनेमा को दे रहे हैं, मिस्टर प्रदीप के शर्मा। प्रदीप के शर्मा साहब से कुछ देर पहले मेरी बातचीत हुई है, खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा पाया। भाई ऐसा हो भी क्यों ना, एक बेहतरीन कहानी, एक बेहतरीन टीम के साथ आपने इस फिल्म का निर्माण जो किया है, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पराग पाटिल, जो अपने पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा के लिए जाने माने जाते हैं। साथ ही साथ इस फिल्म में महानायक कुणाल सिंह को भी हमने खेसारी लाल यादव जी के पिता की भूमिका में देखा। फिल्म की कहानी बेहद प्रिय है। ब्राह्मण घर के राजकुमार की शादी एक छोटी जात से हो जाती है और फिर सामाजिक तकलीफों को किस तरीके से झेलते हुए इस फिल्म को आखिरी में खेसारी लाल यादव ने खुशी खुशी समाप्त किया। ये प्यारी सी कहानी लेकर के आशिकी फिल्म भोजपुरिया दर्शकों के सामने भोजपुरिया थिएटरों में रिलीज हो गई है। पूरी कोशिश करेंगे कि इस फिल्म से जुड़े हम आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बताएं और इसकी भी शुरुआत करें कि फिल्म आखिर फर्स्ट डे कमाई कितना है। बस अपडेट का हम कर रहे हैं इंतज़ार। और आपने अभी तक आशिकी नहीं देखी है तो अपने आसपास के थिएटरों में जाकर टिकट बुक कराइए और देखिए, क्योंकि गजब की फिल्म है सरकार, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह की खबरों के लिए बने रहें देसी भारत के साथ। नमस्कार।